हाय दोस्तों, मैं हूं ऋषि भार्गव देश दुनिया टेक से, और मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और वो है सैमसंग S8 और S7 Edge का। जब नॉगेट अपडेट आया था तो उसके बाद एक कमी खल रही थी कि डुअल सिम फ़ोन है लेकिन डुअल व्हाट्सएप, डुअल मेल, डुअल एप्स नहीं चलती थी। लेकिन अब इस अपडेट के बाद डुअल ऐप भी इस फोन्स में चल पाएंगी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे डुअल ऐप इस S7 Edge के अंदर चलता है। तो दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं कि व्हाट्सएप मेरा ऑलरेडी होम स्क्रीन पर है, और अगर आप जाते हैं डुअल ऐप्स खेलने के लिए तो इसमें एक ऑप्शन है जिसकी वजह से ये दो फोन अलग अलग फोन की तरह काम करता है, और अलग अलग एनक्रिप्टेड एप्स जो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती, और एक ये फीचर है वो उस तरीके से काम करती हैं, तो वो समझते हैं। तो एक इसमें अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो देर इज़ एन ऑप्शन कॉल्ड लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी। इसके अंदर आप नीचे जाएंगे तो देर इज़ एन ऑप्शन कॉल्ड सिक्योर फोल्डर। तो जब आप सिक्योर फोल्डर्स में जाएंगे तो ये फिंगरप्रिंट सिक्योर सिक्योर है, तो इसको आपको ऑन करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो एक आइकॉन आपके होम स्क्रीन पर बना हुआ आ जाएगा जो कि ये इस तरीके से सिक्योर फोल्डर के नाम से है। तो इसमें ना केवल आप सारी एप्स, डुप्लीकेट एप्स कर सकते हो जो सिक्योरली उस फोल्डर में रहेंगी, बल्कि आपका डाटा भी सिक्योर रहेगा। तो आप जब भी इसको खोलेंगे तो आपकी ये कुछ बेसिक एप्स हैं, यानी गैलरी, डुप्लीकेट गैलरी, इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है जो ऑलरेडी एक सिस्टम चल रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने एक व्हाट्सएप, दूसरा नंबर का व्हाट्सएप चालू किया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ ये भी चल रहा है जहाँ इसके 347 मैसेजेस हैं। और अगर आप वापस जाएंगे तो यहाँ भी एक व्हाट्सएप चल रहा है जो 143 एप्स मैसेजेस उसके अंदर काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप ये सिक्योर फोल्डर में अगर आप जाते हैं तो आप कोई भी ऐप, जब आप ऐड ऐप्स पे जाएंगे तो कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके ऑलरेडी पुराने वाले, जो दूसरी डिवाइस, जो ओरिजिनल डिवाइस है उसमें है, उसको आप चालू कर सकते हैं। जैसे जीमेल, यहाँ पे अगर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ या मदर डेरी ऐप करता हूँ तो मैं वो वाले ऐप भी इस सिक्योर फोल्डर में लेके जा सकता हूँ। तो आप देखिए कि ये आ गया है। तो अगर मैं इस मदर डेरी ऐप को यहाँ खोलूंगा तो एक नए, जिस जैसे जीमेल खोलूंगा तो न्यू इन जीमेल, और मदर डेरी ऐप खोलूंगा तो मदर डेरी ऐप न्यू आ जाएगा। तो हर तरीके से एक डुअल फोन एक दूसरे फोन की तरह काम करता है। तो एक ये आपका डाटा सिक्योर रखता है ना केवल, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग ऐप्स, आप इसमें जो ऐप यहाँ होम स्क्रीन पर आपकी ऑलरेडी चल रही है, फेसबुक डुअल ऐप बना सकते हो। तो आपका एक डिवाइस, एक ऐप स्क्रीन, होम स्क्रीन आपके वर्क के लिए काम करेगा, और दूसरा अगर आप सिक्योर ऐप में जाते हो, सिक्योर फोल्डर में जाते हो, तो वहां पर आपका पर्सनल जो भी डाटा है वो आप रख सकते हो, गैलरी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं गैलरी में जाता हूँ तो अभी गैलरी खाली पड़ी हुई है, तो इट्स लाइक अ न्यू फोन, न्यू डिवाइस। और अगर मैं अपने दूसरे फोन वापस बाहर निकल के मैं गैलरी में जाता हूँ, देर आर अराउंड 1,000 1,500 फोटोज अवेलेबल। तो इस तरीके से ये बहुत मदद करता है। तो ये एक नया फीचर सिक्योर फोल्डर्स, बहुत अच्छा फीचर सैमसंग ने डाला है और जो कि बहुत मददगार होने वाला है सभी के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करता हूँ कि आपको और आगे वीडियोस देखने के लिए मेरा देश दुनिया टेक जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।